And welcome to our YouTube channel Target for IQ. And this video is about Hindu Minority and Guardianship Act 1956. काफ़ी छोटा सा एक्ट है और इसमें केवल 13 सेक्शन है, तो हम इस एक वीडियो में इसको ईजिली कवर अप कर सकते हैं. सो अगर हम इसका स्टार्टिंग का जो प्रोविजन्स हैं, दैट इज़ सेक्शन 1, 2, 3, तो वो काफ़ी छोटा है और इसको एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग करने की ज़रूरत है. सो ओके, वी विल डू द बेयर एक्ट रीडिंग. सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में. बिफोर दैट अगर हम ये देख लें जो ऊपर लिखा रहता है डेट, इस एक्ट को जो एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट के थ्रू, तो दैट वाज गिवन ऑन द 25th of August 1956. एंड दिस एक्ट वाज एक्ट नंबर 32 ऑफ द ईयर 1956. एंड दिस एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया. ओके, तो ये एक्ट जो है सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956. दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. एंड वी ऑल नो दैट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद वो जो टर्म होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो अब दैट हैज़ बीन नाउ ओमिटेड. और ये एक्ट जो है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. उसके बाद इस एक्ट की अगर हम टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात करें, तो सेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो सेकेंड पार्ट है, ओके, इट अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदू, ऑल्सो टू हिंदू, यानी कि जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है उन पर तो ये एप्लीकेबल होगा, बट बाय द टाइम इट अप्लाई ऑल्सो टू हिंदू डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड दिस सेट टेरिटरी. इसका मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू पर्सन है जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जिसका डोमिसाइल है, उस पर तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा. प्लस अगर कोई हिंदू पर्सन है जिसका डोमिसाइल इंडियन टेरिटरी के अंदर है बट ही एक्चुअली रिसाइड्स आउटसाइड द इंडिया, ओके, डोमिसाइल इंडियन टेरिटरी के अंदर है बट उस जो रिजाइड करता है वो पर्सन एक्चुअली ही लिव्स आउटसाइड द इंडिया, तो उस पर भी ये पर्सन ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा. ओके, एंड सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन और एनी हाउ ही फॉलोज द प्रार्थना ब्रह्मो और आर्य समाज. कोई ऐसा पर्सन जो बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है बाय रिलीजन, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. कोई भी ऐसा पर्सन जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जिसके जो डोमिसाइल है और ही इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, उस पर भी ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा. सेक्शन नंबर 4 जो है दैट इज़ डेफिनेशन क्लॉज. ओके, डेफिनेशन क्लॉज में 3 चीज़ की डेफिनेशन दी गई है. माइनर, एज वी ऑल नो दैट कि माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर. गार्जियन, गार्जियन का मतलब वही है जो बच्चे माइनर पर्सन की देखरेख या उस माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी की जो देखरेख करता हो. गार्जियन को इसने 4 पार्ट में बताया है कि किस तरह के गार्जियन हो सकते हैं. पहला है नेचुरल गार्जियन, दूसरा है टेस्टामेंट्री, तीसरा है अगर कोई जो भी गार्जियन जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है, और चौथा है एनी पर्सन एम्पावर टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स. ओके, सेक्शन सी बताता है, सॉरी क्लॉज सी बताता है कि नेचुरल गार्जियन मीन्स एनी ऑफ द गार्जियन मेंशन इन द सेक्शन 6. सो सेक्शन 6 अभी हम पढ़ेंगे. सेक्शन 5 बात करता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट. नाउ नंबर सेक्शन नंबर 6, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये मेंस में जनरली इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं कि हु इज़ नेचुरल गार्जियन या व्हाट इज़ द पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन, तो हम इसको बहुत ईजिली समझ लेंगे. नेचुरल गार्जियन को समझने के लिए, हिंदू माइनर के नेचुरल गार्जियन को समझने के लिए, इट विल बी बेटर कि हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें. इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट माइनर बॉय, इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल एंड लेजिटिमेट माइनर बॉय एंड अनमैरिड गर्ल. ओके, तो अगर लेजिटिमेट माइनर बॉय और अनमैरिड गर्ल है तो उनके पहले नेचुरल गार्जियन फादर होंगे और उनके बाद मदर होंगे. ओके, बट अगर इलेजिटिमेट माइनर बॉय है या अनमैरिड गर्ल है तो वहाँ पे पहली नेचुरल गार्जियन मदर होंगी और उनके बाद फादर होंगे. ओके, बट यहाँ पे जो कस्टडी की बात होती है, अगर कोई कस्टडी ऑफ माइनर है हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर, वो जनरली मदर को मिलती है. ओके, और अगर मैरिड गर्ल है तो ऑब्वियसली दैट विल गो टू हर हस्बैंड. उसके बाद ये इसमें जो इसका प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि कब एक पर्सन जो है डिसएंटाइटल हो जाता है नेचुरल गार्जियन बनने से, तो अगर इफ़ ही सीज टू बी हिंदू और या ही रिनाउंसेस द वर्ल्ड और ही बिकम हर्मिट, दैट इज सन्यासी. इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है कि ये बताता है कि जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है फादर एंड मदर, ओके,
द एक्सप्रेशन दैट हैज बीन यूज फादर एंड मदर इट विल नॉट इंक्लूड स्टेप फादर एंड द स्टेप मदर. अब एक केस था इसमें गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999. ओके तो इस केस में बताया गया कि जो फ्रेज यूज हुआ है सेक्शन नंबर 6 में दैट इज फादर द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर. ओके कि पहले फादर नेचुरल गार्जियन होंगे और उनके बाद मदर. इस फ्रेज को हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत नहीं है. ओके इस केस में कहा गया था कि हमें यहाँ पे इसको एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देनी है और इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि फादर अगर जिंदा है ओके तो उस दौरान मदर कभी नेचुरल गार्जियन बन ही नहीं सकती. इस केस में ये कहा गया था कि अगर फादर अलाइव है और एनी हाउ लाइक ही इज रनिंग फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी या ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द माइनर चाइल्ड एंड हिज प्रॉपर्टी. तो इस केस में अगर मदर अलाइव है एंड शी इज सो मच केपेबल कि वो माइनर चाइल्ड और उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख कर सकती है तो इन दैट केस मदर विल बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल गार्जियन. ओके और इस इंटरप्रिटेशन को इसलिए दिया गया कि लाइक सच एन इंटरप्रिटेशन विल कीप द स्टैट्यूट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट. ओके वरना अगर हम इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दें दैट कि अगर मदर फादर के रहते हुए नेचुरल मदर कभी नेचुरल गार्जियन नहीं बन सकती तो ये हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करेगा. तो इन शॉर्ट हमें इसको एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत है रादर देन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. केस का नाम था गीता हरिहरन. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस हो गया. यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो है सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ माइनर होनी चाहिए. ओके वो डेफिनेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए माइनर की एंड इट शुड नॉट बी द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से पार्टीशन हो गया हो और माइनर को उसका अपना सेपरेट शेयर मिल गया हो उसी प्रॉपर्टी पे की यहाँ पे बात हो रही है. अगर प्रॉपर्टी अभी पार्टीशन नहीं हुआ है एंड इट इज़ स्टिल इंटैक्ट तो वो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कवर नहीं हो रही. ओके और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वही एज आई टोल्ड यू कि वो डेफिनेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी फ्लक्चुएटिंग वन. फिर सेक्शन नंबर 7 अगर हम देखें तो नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ द अडॉप्टेड सन. ओके एक बार जब बच्चा माइनर पर्सन अडॉप्ट होता है तो वो उसकी जो नेचुरल गार्जियनशिप होती है वो उन्हें मिल जाती है जो उन्हें उस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं. ओके यानी कि अडॉप्टिव फादर देन अडॉप्टिव मदर. फिर सेक्शन नंबर 8 देखें तो पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन. तो यहाँ पे नेचुरल गार्जियन को पावर्स मिली हैं बट दे शुड एक्सरसाइज देयर पावर टू अ लिमिट और वहाँ पे वो सारी एक्ट्स कर सकते हैं दैट इज़ रीजनेबल एंड दैट इज़ रिक्वायर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर एंड द प्रॉपर्टी. क्लॉज 2 जो है वो इन इस पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है एंड दैट सेज कि अगर फॉलोइंग एक्ट्स जो हैं वो नेचुरल गार्जियन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं कर सकते जैसे कि अगर उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई मॉर्गेज करना है या चार्ज करना है या उनको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है बाय सेल गिफ्ट या एक्सचेंज तो दे कैन नॉट डू विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट. ओके और अगर वो लीज करते हैं प्रॉपर्टी को तो वो मैक्सिमम 5 पीरियड के लिए लीज कर सकते हैं या फिर अगर उन्होंने लीज करके रखा है प्रॉपर्टी को तो इन दैट केस माइनर पर्सन के जब वो मेजर हो जाता है तो मैक्सिमम मेजर होने के 1 ईयर तक जो है मेजर होने के बाद 1 ईयर तक वो जो है लीज कंटिन्यू कर सकती है. उसके बाद अगर वो इस प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करते हैं एनी हाउ तो दैट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम. फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन. ओके तो टेस्टामेंट्री गार्जियन अगर हम एक जनरल डेफिनेशन में देखें तो अगर नेचुरल गार्जियन ने बाय विल किसी पर्सन को एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया है फॉर टेकिंग केयर ऑफ द माइनर पर्सन एंड हिज और हर प्रॉपर्टी तो उसको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं. एज पर सेक्शन 9 अ हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन मे बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी अदर देन द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट रिफर्ड टू इन सेक्शन 12 और इन रिस्पेक्ट ऑफ. तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई हिंदू फादर है एंड ही इज़ एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन तो वो वहाँ पे एक कोई विल बना के किसी पर्टिकुलर पर्सन को उस माइनर चाइल्ड का
गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, उस माइनर पर्सन के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए, बट दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट इंक्लूड द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉपर्टी अभी वो ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट हो और उसका पार्टीशन ना हो, उस प्रॉपर्टी के लिए वो किसी को गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकती है। और अगर ऐसा होता है कि फादर जो है उनकी डेथ हो जाती है और मदर इज स्टिल अलाइव, तो वो विल जो है इफेक्ट में नहीं आएगी, ओके, क्योंकि मदर अभी स्टिल अलाइव है एंड मदर विल बिकम द नेचुरल गार्जियन। इन केस ऐसा होता है कि मदर की भी डेथ होगी और मदर ने कोई विल नहीं बनाया है, तो इन दैट केस जो फादर ने विल बनाई है दैट विल कम इन टू फोर्स। फिर अगर कोई हिंदू विडो है या हिंदू मदर है, ठीक है, एंड शी इज़ एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन, एंड एनी हाउ फादर जो है वो डिसएंटाइटल हो गया है टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन, तो इस केस में वो हिंदू वट विडो या हिंदू मदर भी बाय विल किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकती है फॉर माइनर और द प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर लाइक अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो वहाँ पे हिंदू मदर, एज वी नो दैट कि इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में मदर इज द नेचुरल गार्जियन, तो वहाँ पे हिंदू मदर जो है वो भी चाहे तो टेस्टामेंट्री गार्जियन किसी को अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 5 बताता है कि विल बनाई गई है टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप के लिए, दैट विल ऑपरेट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर और द मदर, और उनके मरने के बाद उन टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप गार्जियंस को वही पावर मिलेंगी, वही पावर्स प्लस वही लाइबिलिटीज़ मिलेंगी जो नेचुरल गार्जियन की थी। और अगर कोई नेचुरल गार्जियन कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट हुआ है किसी माइनर अनमैरिड गर्ल के लिए, तो वो गार्जियनशिप ओवर हो जाती है उस लड़की की शादी पे, क्योंकि शादी के बाद हर हस्बैंड बिकम दी गार्जियन। सेक्शन 10 बोलता है कोई माइनर किसी भी माइनर पर्सन का गार्जियन नहीं बन सकता। सेक्शन 11 बात करता है डी फैक्टो गार्जियन की बात। डी फैक्टो गार्जियन बेसिकली वो होते हैं जो अपने इंटरेस्ट मीन्स लाइक दे विलिंगली टेक केयर ऑफ द माइनर, ओके, वो विलिंगली एक माइनर पर्सन की और उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख करते हैं एंड दे आर नॉट अपॉइंटेड बाई एनी अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ओके। तो ये सेक्शन 11 उनके पावर्स पे या उनके एक्ट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और वो एज पर सेक्शन 11 कोई भी पर्सन जो डी फैक्टो गार्जियन है वो एंटाइटल नहीं है किसी भी वे में माइनर की प्रॉपर्टी से डील करने के लिए। और अगर वो डील करता है, यानी कि अगर कोई भी एलिनेशन डी फैक्टो गार्जियन करता है, तो वो वॉइड हो जाएगा और जो भी एलिनी होगा यहाँ पे ही विल बी इन द पोजिशन ऑफ द ट्रेस्पासर, क्योंकि उसके पास कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी को यहाँ होल्ड करने के लिए, ओके। सो नाउ सेक्शन 12 अगर हम देखें तो ये वही कहता है, प्रॉपर्टी की बात करता है कि गार्जियन कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। माइनर को जो भी उसका सेपरेट शेयर मिला होगा वो उसी के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी अभी इंटैक्ट है उसके लिए गार्जियन नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 13 बात करता है कि ये पूरा एक्ट जो है दैट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, ओके। तो बेसिकली जो पैरामाउंट कंसिडरेशन होना चाहिए वो एक माइनर चाइल्ड की वेलफेयर ही होना चाहिए, दैट इज व्हाट सेक्शन 13 से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्ट, काफ़ी छोटा सा था तो ये कंप्लीट हो गया, एंड आई थिंक फॉर दिस एक्ट बेयर एक्ट इज मोर देन एनफ। अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहो तो यू कैन सी, बट आई डोंट थिंक ही कुछ रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप किसी केस लॉ के लिए या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन रेफर एनी बुक, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।